Jersey, Jamal. Jersey, Zarina. Tersey, Tamatar. Thursday, Potato. Third के बारे में सब इन चीजों ने आंसर दे ड बाकी बुक्स में जो टीचर्स दिए गए हैं टीचर्स को साथ में रख के बोलना है थर्सडे कटेगा थर्सडे टोन थर्सडे ढक्कन हड़ा थर्सडे तबला थर्सडे खन थर्सडे दावर थर्सडे धन नस्ते नल फर्स्टे बतम फर्स्टे फल बस्ते बतक भस्ते भगत मस्ते मछली म के बाद यस्ते यज्ञ रस्ते रस दस्ते लड्डू बस्ते भक सस्ते सरदम सस्ते सटकोर सस्ते सपेरा हस्ते हान शर्षे क्षत्रिय त्रस्ते त्रिशूल नस्ते ज्ञानी और सस्ते श्रमिक राइट अब हमारे व्यंजन द्वारा कंप्लीट हुए अब हम शुरू करते हैं हमारे स्वर अ से अनार आ से आम ई से इमली ई से इंक ऊ से उल्लू ऊ से उल रू से ऋषि ए से क्या होता है एंड बी ए से एंड ओ से ऑफ ऑफ से औरत आम से अंगूर ओ ए आम अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम और उम ए व्यंजन वर्ण कंप्लीट करने के बाद हम हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 ओपन करते हैं और आगे एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 आइए दोहराइए त से न तक दो बार लिखने त से न तक दो बार लिखने त के बाद कौन से अक्षर आता है यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे बॉक्स भी दिए गए हैं इस अक्षर के बाद क्या आता है इस अक्षर के पहले क्या आता है
थर्सडे मंडे। थर्स के पहले कौन सा अक्षर आता है? द वाज का द। सो यू विल राइट इन योर टेक्स्ट में इन एक्सरसाइज नंबर 3 नीचे दिए गए अक्षरों को शब्द में मिलाइए। यहाँ पे हमें व्यंजन वर्ण दिया गया है, उसके साथ उसका जो फर्स्ट यहाँ पे शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि उसका पहला अक्षर कौन सा है। सर्वम का
के पहले शब्द आकाश र के पहले यमन का य और व के पहले ल लड़कों का ल नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 नीचे दिए गए बॉक्स में य ल ल व लिखो एक्सरसाइज आपको मैं फुट में कंप्लीट करना है य यमुना का य र रथ का र ल लड्डू का ल और व व का व ये लेटर्स आपको बीच बीच में व्यंजन वर्ण दिए गए आपको कंप्लीट करना है ये आपको अपने होमवर्क में करना है ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6 यहाँ पे पूरा व्यंजन दिया गया है पूरे व्यंजन को ज्वाइंट करके एक जोकर बनाना है वो जोकर बनेगा उसके बाद आपको उसमें कलरिंग करना है ओके तो ये एक्सरसाइज पूरी आपको होमवर्क में करनी है नेक्स्ट वर्णमाला दोहराइए है जैसे हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है वर्णमाला दोहराइए जो हम यहाँ पे दोहरा चुके हैं बार बार व्यंजन वर्ण यानी क्रॉस से य तक श्र तक और स्वर यानी अ से वहां तक जो हमने पहले लेक्चर के पहले ही कंप्लीट कर लिया है सो हमने यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कवर चवर टवर तवर और च पवर इसका मतलब क्या है आप क क ग और घ ये चार अक्षर बोल लो तो आपको आपके जो बोलने का वेग है वो चेंज रहेगा क ख हमारी जो टंग है उससे आप कंसंट्रेशन करना है कि हम कैसे बोलते क ख ग घ सेम के ऊपर उसके बाद च वर्ग है तो च छ झ झ उसके बाद ट वर्ग है तो हमें कैसे बोले ट ठ ड और ड हणा राइट तो इस सारे सेम आप अगर कंसंट्रेशन के आप इस टर्म बोलो और टर्म को अगर ऐसे फील करो कि हम कैसे बोले तो वो सारे वर्ण एक जैसे बोले जाते हैं फिर ट वर्ग त थ द ध और न तो मैं टंग बाहर निकल गई त थ द ध फिर प पर प प जो मैं लिप्स कैसे होते प प ब भ और म फिर हम य बोले तो य ल ल यहाँ पे होट आपके जो लिप्स है वो ऐसे नहीं होते तो हमें यहाँ पे अंतस्थ य र ल फिर उष्मा स स स और भ उसके बाद संयुक्त व्यंजन यानी क्ष त्र ज्ञ और स्र ये दो शब्द का मिश्रण है ये दो शब्द का मिश्रण है क्ष तो उसमें श भी आता है और क्ष भी आता है तो इसमें दो वर्ण आते त्र तो त भी आता है और र भी आता है ज्ञ ग भी आता है और य भी आता है और श तो श भी आता है और र भी आता है इसलिए उसको यहाँ पे संयुक्त वर्ण बोला जाता है और नुक्ता बिंदी वाले यानी नुक्ता बिंदी वाले यानी जो वर्ण ढूंढे में देखे आपने कभी देखा होगा कि झ के नीचे ऐसे डॉट होता है फिर फ के नीचे ऐसे डॉट होता है इन दोनों अक्षर के नीचे ही डॉट होता है और किसी अक्षर पे डॉट नहीं होता है र लिख के यहाँ पे नीचे डॉट नहीं होता है ल लिख के यहाँ पे डॉट नहीं होता है सिर्फ झ और फ में ही डॉट होता है तो उसको क्या बोलते हैं नुक्ता बिंदु वाले अक्षर ओके यहाँ पे हम हिंदी का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं और इसके साथ साथ हम फर्स्ट सम का सिलेबस भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं in textbook and in hard work. I hope आप लोगों को हिंदी वर्ण आ गए होंगे अगर नहीं आ रहे तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए और हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब यही है कि आपको घर पे हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करनी है हिंदी की प्रैक्टिस करिए ओके हिंदी में आज के लिए इतना ही थैंक यू